शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में हमने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बी ए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का 20 and 20 का सॉल्यूशन पेपर लिया है। 1 से 10 और 11 से 20 के वीडियो प्रश्न हम एडिशनल क्वेश्चन के साथ पिछली दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 21 से 30 तक के क्वेश्चन ले रहे हैं। वीडियो के की खासियत ये है कि इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और पेपर इस बार रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21st, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस, टू मेक लव विद ए स्ट्रेंजर इज द बेस्ट, मतलब किसी अजनबी के साथ प्यार करना अच्छा होता है। देयर इज़ नो रिडल नो टेस्ट, क्योंकि कोई पहेली नहीं खेलनी पड़ती और कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। तो ये पोईम, ये बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, देयर इज़ नो रिडल एंड नो टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा हु फ्रॉम योर कोर्स बुक कैन बी कॉल्ड एन NRI। NRI राइटर जो है वो प्रवासी भारतीय राइटर जो है वो विक्रम सेठ हैं हमारे कोर्स में। अगला है विक्रम सेठ के बारे में, आइए मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट करने की कोशिश की है। विक्रम सेठ जो थे वो एक जज के बेटे थे, उनके फादर जज थे। विक्रम सेठ वाज बॉर्न इन 1952 इन कोलकाता, तो 1952 में कोलकाता में ये जन्मे थे। इनके प्रसिद्ध वर्क्स जो हैं ए सुटेबल बॉय है 1993 में हुआ था, द गोल्डन गेट है 1986 में हुआ था, एंड इक्वल म्यूज़िक है। और विक्रम सेठ की बात करें तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो लंदन में हुई थी। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो है वो मैपिंग्स थी, जो 1980 में पब्लिश हुई थी। इनके अवार्ड्स पर एक नज़र डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो 1988 में द गोल्डन गेट के लिए मिला था। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी मिल चुका है 1994 में ए सुटेबल बॉय के लिए। प्रवासी भारतीय सम्मान उन्हें मिला है 2005 में, पद्मश्री मिला है उन्हें 2007 में। तो साहित्य अकेडमी और पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं बेसिकली, जो बहुत अच्छे अवार्ड हैं। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1988 में द गोल्डन गेट के लिए, पद्मश्री इन्हें 2007 में मिला है। तो आइए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि NRI तो हमने बता ही दिया था विक्रम सेठ है, फिर ए सुटेबल बॉय वाई विक्रम सेठ होल्ड्स ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। ए सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ द्वारा लिखा हुआ, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं हम आपको ये बता दें, ए सुटेबल बॉय जो है वो सबसे लंबा, सी ऑप्शन पर जाइए, द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम इन इंग्लिश, सिंगल वॉल्यूम में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया सबसे लंबा काम है। और इसमें 1349 पेजेस हैं, ये सुटेबल बॉय में 1349 पेजेस हैं। सुटेबल बॉय की रचना इन्होंने 1993 में की थी, 1993 में की थी। तो इसमें क्या है कि सुटेबल बॉय जो है कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका इंग्लिश लिटरेचर में, ये लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम है इंग्लिश में। अगला है द पोईम अनक्लेम्ड इज़ ए पोईम ऑफ, सबसे पहले जान लीजिए अनक्लेम्ड जो है वो विक्रम सेठ की पोईम है। और अनक्लेम्ड में ऊपर वाली जो लाइन्स है ना, टू मेक लव विद ए स्ट्रेंजर इज़ द बेस्ट, ये भी इसी से ली गई हैं। तो याद रखिएगा, ये भी अनक्लेम्ड जो पोईम है वो सेंसुअल लव पर आधारित है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि आजकल भी होता है सेंसुअल लव, ऐंद्रिक सुख यानी कि सेक्सुअल लव जो होता है, मतलब अनक्लेम्ड में हम इन्होंने ये कहा है कि सेक्सुअल लव ही अच्छा होता है, करो और निकल जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अनक्लेम्ड की राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, AABBCC और AADD, AABBCC AADD। अगर हम बात करें अनक्लेम्ड की तो 5 स्टैंजा हैं और 10-10 लाइनें हैं, 10 लाइनों के 10-10 लाइनों के 5 स्टैंजाज हैं, 10 लाइन्स हैं। इन विच ईयर डिड विक्रम सेठ रिसीव पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो अभी जैसा कि बताया था पद्मश्री उनको 2007 में मिला था, 2007 में मिला था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ विक्रम सेठ्स चिल्ड्रन बुक इज़ बीसली टेल्स, जो 1991 में आई थी। एक और इनकी बुक है चिल्ड्रन बुक एरियन एंड द डॉल्फिन। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपके सिलेबस में चाइल्ड चिल्ड्रन नॉवेलिस्ट या चिल्ड्रन राइटर कौन है, तो विक्रम सेठ ही हैं। तो विक्रम सेठ एक तो NRI राइटर हैं, जो प्रवासी भारतीय राइटर हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, है ना, और एक ही चिल्ड्रन राइटर हैं। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज एक्सप्लेन्स अनक्लेम्ड द मोस्ट, इसमें से इन फ्रेजेस में से अनक्लेम्ड को सबसे ज़्यादा कौन एक्सप्रेस करता है, तो अनक्लेम्ड जो है वो ए पोईम ऑफ लवलेस लव की पोईम है। आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसुअल लव की पोईम है, तो लवलेस लव यानी प्यार बिना के प्यार जो होता है, और आपको पता ही है वो क्या होता है।
आगे चलते हैं, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ए के रामानुजम पोइम एनजाइटी। एनजाइटी जो है उसमें 14 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनजाइटी अगर हम रामानुजम की बात करें तो रामानुजम ने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखा है। रामानुजम का जन्म 16 मार्च 1929 को हुआ था, इनका जन्म मैसूर में हुआ था और ये शिकागो में मरे थे। दूसरी बात यह है कि रामानुजम जो है उनका पूरा नाम अतिपत कृष्णस्वामी रामानुजम है, अतिपत कृष्णस्वामी रामानुजम है। तो एनजाइटी में 14 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के रामानुजम फादर टुक हिम टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड चेंज हिज सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू इंग्लिश। ए के रामानुजम के पापा उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में ले गए और उनका सब्जेक्ट जो है साइंस से इंग्लिश में चेंज करा दिया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टू फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्सटेंसिवली यूज बाई ए के रामानुजम इन द पोइम एनजाइटी। कौन सी दो फिगर ऑफ स्पीच एक्सटेंसिवली का मतलब बहुतायत से यूज़ की गई हैं ए के रामानुजम की पोइम एनजाइटी में। तो ए के रामानुजम की पोइम एनजाइटी में सिम्बली और मेटाफर का यूज़ बहुत ही प्रॉपर ढंग से किया गया है, ज़्यादा करा गया है। तो ये हमारी वीडियो थी, इससे पहली दो वीडियो यानी कि 1 से 30 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अपनी इन तीनों वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हिट ए लाइक टू माय चैनल एंड प्लीज़ काइंडली हिट ए लाइक टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।